पूरे प्रदेश के साथ साथ जनपद मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की परीक्षा आयोजित की गई। ये परीक्षा मुरादाबाद के 58 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में संपन्न कराई गई। परीक्षा के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम आदि किए गए थे, जहां पर सीओ सिविल लाइंस आशुतोष तिवारी ने सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान ये बताया गया कि परीक्षा में 26,000 से अधिक परीक्षार्थियों ने भाग लिया और शांतिपूर्ण माहौल में दोनों पालियों में परीक्षाएं संपन्न कराई गई। मुरादाबाद शहर के सिविल लाइंस स्थित मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज पर बने परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों ने परीक्षा छूटने के बाद ये बताया कि परीक्षा बहुत अच्छी गई और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। एग्जाम अच्छा था। अच्छा, कहाँ से आप? यही मुरादाबाद से हैं। अच्छा, तो क्या कुछ इस बार नए पैटर्न पे आया या पहले ही पैटर्न था? कुछ क्वेश्चन कैसे आए बाहर ऐसे? पैटर्न वही था जो हमेशा से चला आ रहा है और कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं है। जैसा हर साल होता है वैसा ही था, नॉर्मल पेपर, न कोई हार्ड था इतना ना इजी था, नॉर्मल था जैसा होता है हर बार। पेपर ठीक था। कोई नया पैटर्न चेंज था ऐसा कुछ? नहीं, पैटर्न तो ऐसे चेंज नहीं था, तो थोड़ा मॉडरेट था। क्या लग रहा है आपको पेपर? डोंट नो, कुछ नहीं बोल सकते। वहीं परीक्षा केंद्र पर मौजूद विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर सुनीता डी सिंह ने परीक्षा के बारे में जानकारी देते हुए बताया, ये PCS की परीक्षा है जो कि प्राथमिक परीक्षा होती है जिसमें बच्चे अपने को आगे के लिए तैयार करते हैं और PCS अधिकारी बनते हैं, IAS भी बन सकते हैं। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आगे बढ़कर वो लोग करते हैं और ये प्रदेश की सबसे बड़ी परीक्षा है जिसमें कि प्रतिभागी बहुत ही ध्यान से बड़ी स्टडी के साथ यहाँ तक पहुँचते हैं। कितनी पाली में और कितने बजे से कितने बजे तक? 2 पाली में परीक्षा है, 2 घंटे की परीक्षा है। सुबह की परीक्षा थी 9:30 to 11:30 और शाम की है 2:30 to 4:30। क्या इंतजाम किए गए हैं सेंटर में? सेंटर में सभी को पर्याप्त सीट मिल सके, पर्याप्त पानी मिल सके और साथ में कोविड के लिए जो नॉर्म्स हैं वो भी हमने फॉलो किए हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया है। तो अभी तो काफ़ी इतना ज़्यादा है नहीं, लेकिन फिर भी दूर दूर से बच्चे आते हैं और उनको सारी सुविधाएं मिल सके इसका प्रयास करें। आपके सेंटर में कितने बच्चे हैं और किड्स के अलावा और कुछ सेंटर में? हमारे सेंटर में जो हमको 4 बच्चे दिए जाते हैं इनरोलमेंट वो 480 है, लेकिन अटेंडेंस तो बहुत कम थी, 222 हमारे वहाँ पर। और पूरे ही मुरादाबाद में 58 सेंटर्स हैं जहाँ इस प्रकार की परीक्षा चल रही है।